प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर की आराधना स्तुति हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की दया से मई 25 तारीख हमें अनुग्रहित करके मिला है कि हम अपने सर्वशक्तिमान पिता की आराधना करें, स्तुति करें, हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, हालेलुया। सब लोग अपने आवाजों को ऊंचा करके प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है, सुरक्षा दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। रात को अच्छी नींद देकर हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ हमें आज के दिन जगाया है, उस कृपा के लिए हम धन्यवाद करें, हालेलुया। खुशी के साथ प्रभु की आराधना करें, हालेलुया 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 आमेन हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज आप हमें जय वन चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। अद्भुत तरीके से हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। बेटा बेटी, ये तुम्हारा रास्ता है क्योंकि बताने वाले परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की कृपा के लिए हम धन्यवाद करें, हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 18 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है, हे प्रभु मेरे सामर्थ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हालेलुया। ये जो अध्याय है दाऊद ने लिखा है, जब प्रभु ने राजा साउल से बचाया, हालेलुया, उसमें तब उस समय में ऐसे संगीत गाया है। और हम समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हर एक विषय में से हमें छुटकारा देते हैं, हालेलुया। जब परमेश्वर छुटकारा देते हैं तो सबके सामने वो एक अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। हम वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु जब भी छुटकारा दिया है वो मानसिक तौर से नहीं, लेकिन सुपर नेचुरल अलौकिक आश्चर्य कर्म प्रभु हमें हमारे लिए करते हैं। इसलिए कल भी हमने यही सीखा कि प्रभु ने जो हमारे लिए अद्भुत कार्य किया है, वो हर चीज में से हमें छुटकारा देते हैं, हमें मुक्त करते हैं, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 18 के पहले के दो वचनों में, उसमें ऐसे लिखा है, प्रभु मेरे सामर्थ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हे प्रभु मेरी चट्टान, तू ही मेरा शरण स्थल और मुक्तिदाता है, तू मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान है, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तू मेरी ढाल, मेरी शक्तिशाली उद्धार करता, मेरा गढ़ है, हालेलुया। ये जो वचन में कितने बार हम मेरा मेरी करके हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, ये सब बोलकर हमें प्रभु की स्तुति करना है, क्योंकि स्तुति के योग्य प्रभु को जब हम पुकारते हैं, प्रभु हमें छुटकारा देते हैं हमारे दुष्टों के सामने से, हालेलुया। प्रभु ही हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा शरण स्थान, हमारा चट्टान है, हालेलुया, हमारा शक्तिशाली उद्धार करता है। इसलिए हम जब भी पुकारते हैं, हर एक दुख से, हर एक दर्द से, हर एक विषय से हमारा प्रभु हमें छुटकारा देते हैं और मुक्त करते हैं। इसलिए खुशी के साथ प्रभु से हम पुकारे, प्रभु को पुकारे, दुहाई दे, और प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रिय लोग। प्रभु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। और अंतिम के वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु तू ने मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्त किया, तू ने मेरे लिए विरोधियों के सम्मुख मुझे उन्नत किया, तू ही हिंसक व्यक्तियों से मेरा उद्धार करता है। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने जो जाति जाति के सामने, जो लोगों के सामने जो आशीष दी है, वो हमें सबको बताना है, हालेलुया। सबकी प्रभु की आराधना करना है सबके सामने, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने संभाला, खुशी के साथ, समाधान के साथ, बल के साथ आज आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज आप हमें हाथ पकड़ के चलाने वाले हैं, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अद्भुत तरीके से अब तक संभाला, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद, और आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनकी जरूरत जो भी है प्रभु, आपका हाथ अद्भुत तरीके से कार्य करे आज के दिन प्रभु। आपके कार्य आपके बच्चों के जीवन में प्रवर्तित हो, इनका परिवार यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे यीशु मसीह के नाम से, इनका काम अनुग्रहित रहे, इनका बिजनेस अनुग्रहित रहे यीशु मसीह के नाम से, इनका शरीर अनुग्रहित रहे प्रभु। में अनुग्रहित लोग है करके सब लोग इनको देख के कह सके, हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा से आप उनके जीवन को भरते, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। आज के दिन प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है, घुटनों में जो दर्द है, पैरों के घुटनों में जो दर्द से और सूजन से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से, आज के
दिन आप अपना हाथ बढ़ाए प्रभु, हालेलुया। पूर्ण चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो, हालेलुया। पूर्ण तरीके से वो सूजन दूर हो जाए, वो दर्द जो भी परेशानी है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने जो चंगाई उस जॉइंट में वो फ्लूइड आपने दी है उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन हर एक पैर के घुटने पूर्ण चंगाई प्राप्त करे, पूर्ण चंगाई प्रवर्तित हो, हालेलुया। जो भी कैंसर से पीड़ित है आज के दिन आप अद्भुत कार्य करे, हर एक कैंसर सेल्स यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, भस्म हो जाए, आरोग्य वापस आए, भूख वापस आए और हर एक थकान दूर हो जाए, चलने का, फिरने का, उठकर बैठने का प्रभु आप उनको तंदुरुस्ती दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। जो भी अपने बिस्तर में है, मृत्यु के उस मुंह में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले, हालेलुया। पूर्ण आरोग्य आपने दी है अपने बच्चों को उसके लिए धन्यवाद, आपके नाम की महिमा होने वाली उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन अद्भुत कार्य आपने की है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी आर्थिक विषय में भार से है यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो, हालेलुया। आप अगर एक रास्ता खोलते तो कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता है उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। आज के दिन प्रभु जो भी विषय से जो भी उनकी जरूरत है उनको उनको मिलना जरूरी है या उनके विषय में कोई भी परिहार आज के दिन मिलना है तो प्रभु आप उनके लिए अद्भुत तरीके से कार्य करें। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज के दिन एक रास्ता खुल जाए आपके बच्चों के जीवन में, वो रास्ता खुल जाए, हालेलुया। जो भी कोविड 19 से पीड़ित है, अस्पताल में है, वेंटिलेटर में है, अद्भुत तरीके से चंगाई उनको मिले, हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद, सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। याद रखे हमारा आज मीटिंग नहीं रहेगा लेकिन कल रात को 9:30 इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, उसके जरूर हम भागी हो, हालेलुया। उसके लिए हम आज से ही प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम दूसरों को भी हम बोले उसके भागी होने के लिए, परमेश्वर ने जो आशीष हमारे जीवन में की है उसका भी वर्णन हम दूसरों से करें, हालेलुया। प्रभु की कृपा और समाधान आपके साथ बहुत आयत से हो। और याद रखें कि हमारा ये जो संदेश है सुबह के संदेश का 7 मिनट करीबन ख़त्म हो गया है। अगर आपको प्रार्थना नहीं, आपको सिर्फ मैसेज सुनना है, संदेश ही सुनना है तो आप 7 मिनट के बाद से आप सुनना शुरू कर सकते हो, लेकिन हो सके तो हमेशा आप शुरुआत से पढ़े वही आप सुने, वही आपके जीवन में सबसे अनुग्रह का कारण बनेगा, लेकिन जरूर हर दिन का संदेश आप सुने, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की किताब 4:12, उसमें लिखा है, तुम्हारी युवा व्यवस्था के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे, तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। यहाँ पे पौलुस जो है तिमोथियुस को जब लिखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि पौलुस प्रेरित के जो आत्मिक पुत्र थे तिमोथी, हालेलुया। तो यहाँ पे जब तिमोथी जब ये लिखते हैं तो वो एफिसोस सभा के वो पासवान रहे हैं और यहाँ पर ये लेखन जब लिख के दिया है तो तिमोथी उसे यहाँ पे ये कहते हैं कि तुम्हारा जो युवा व्यवस्था है उसको कोई भी तिरस्कार ना करे कि तुम बहुत ही तुम अभी भी युवक हो, तुम ज्यादा तुम में उम्र नहीं है, ऐसे कोई भी बोलकर कोई भी तिरस्कार ना करे, ना ही तुम्हें कोई छोटा समझे। इसलिए तुम्हें क्या करना है, वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनना है, हालेलुया। आज के दिन हमें प्रभु यही अगुवाई देते हैं कि हमारे जीवन से हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण का जीवन जिए, हालेलुया। जैसे कि कल हमने सीखा कि प्रभु ने, और आज भी हमने यही सीखा, जब परमेश्वर छुटकारा या मुक्ति देते हैं तो सुपर नेचुरल तरीके से प्रभु हमें छुटकारा देते हैं, और ऐसे छुटकारा और मुक्ति जब हम प्राप्त करते हैं तो वो दूसरों के लिए वो एक आदर्श बनता है। हम जैसे कि डीएल मूडी एक प्रभु के दास से हम सुनते हैं कि हम बाइबल जरूर पढ़ते हैं लेकिन 100 लोग जो है हमारे चारों तरफ से बाइबल पढ़ते हैं, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बर्ताव के द्वारा, वो खुद से बाइबल नहीं पढ़ते होंगे लेकिन हमारे जीवन के हर एक कार्यों को, कर्मों को देखकर, हमारे हर एक बर्ताव से वो परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को वो जानते हैं, हालेलुया, वो समझते हैं
इसलिए हमेशा हमें देखना है कि हम परमेश्वर के वचन, उनके परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम जीते हैं कि नहीं। इसलिए हमारे जीवन हम किस तरीके से हम बताते हैं, उससे दूसरों को प्रभु दिखता है। हालेलुया। इसलिए हमारे वचन हो या कर्म हो, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में हर एक जन को प्रभु दिखे। इसलिए हमें उनके लिए आदर्श बनना जरूरी है, ताकि दूसरे भी हमें देखकर कहे कि अरे ये कितने प्यार से बात करते हैं, उनमें कितना विनम्रता है, उनको कुछ भी, कोई भी कुछ भी कर दे या कह भी दे तो ये कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं होते, ना किसी के लिए बुराई करते हैं, सिर्फ भलाई करते हैं, कृपा और दया से कार्य करते हैं करके बोलने वाले हो। हालेलुया। सिर्फ समाधान के वचन को बोलते हैं, ना कि खुद की बड़ाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करने वाले हैं, परमेश्वर की दया को दिखलाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, सिर्फ अपनी ही बड़ाई करते हैं, अपने बच्चों की बड़ाई करते हैं, ये सब प्रभु की हित में नहीं है। मेरे प्रिय लोग, हमें हमेशा बढ़ोतरी करना है तो परमेश्वर की बढ़ोतरी करना है, हमारे वचनों से परमेश्वर यीशु मसीह को जानने वाले हो। हालेलुया। इसलिए हमारे जो कार्य है, हमारे सब वचन ही नहीं, हमारे हर एक कर्म, हमारे हर एक प्रवृत्ति जो है परमेश्वर को दिखलाना चाहिए। जैसे कि हम एक सुपरमार्केट जाते हैं, या गाड़ी चलाते हैं, या हम अपने परिवार में रहते हैं, या एक सभा में जाते हैं, एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर भी हमारा काम हो, तो भी हम कैसे बर्ताव करते हैं वो देखना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे बातों में, हमारे हर एक कार्यों में, हमारे हर एक प्रवृत्ति में परमेश्वर को दिखलाना है। और आगे लिखा है कि प्रेम, परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए, ना कि कुछ भी पाने के लिए, या हम किसी को प्रेम करते हैं तो किसी और से वापस हमें मिलने के लिए हम प्रेम ना करें। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया सबसे, वैसे ही हम भी प्रेम करें, जो कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा लेकिन अपना जान दिया। हालेलुया। फिर लिखा है विश्वास, विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हर एक विषय में भी हमारा विश्वास स्थिर रहे। हालेलुया। विश्वास ही है जो हमारा बल बनता है, क्योंकि परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, इस बात का विश्वास हमें होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कोई भी हमें देखे तो भी कह सकेगा कि ये परमेश्वर में इसका जो विश्वास है वो बहुत बड़ा है, ऐसा कौन सा प्रभु है। इसलिए जैसे कि अब्राहम के बारे में या दानियल के जीवन में हम देख सकते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में ऐसे कहते हैं कि कुछ भी वो खुद से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया तो छुटकारा मिलेगा, और वही हुआ, उनको आग में डाला तो भी वो विश्वास के साथ वो खड़े रहे और परमेश्वर उनके साथ आए। हालेलुया। इसलिए उनके जीवन के द्वारा दूसरे जान सके कि यीशु मसीह या हमारा प्रभु हमेशा के लिए जयवंत और साथ रहने वाला प्रभु है। और आगे लिखा है शुद्धता में। हालेलुया। तो हमारा जो जीवन है शुद्धता में हमें बिताना जरूरी है, शुद्धता से शुद्धता में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। और ऐसे ही आदर्श बनना है हमें, वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में हमें आदर्श बनना है, कि दूसरे जब हमारे जीवन में देखते हैं तो वो उनके लिए आशीष का कारण बने, उनके लिए हम एक आदर्श का कारण बने। हालेलुया। आज के दिन पवित्र आत्मा भी हमसे यही पूछते हैं, किस विषय में हम आदर्श बनते हैं, ये हमें ध्यान देना है। मेरे प्रिय लोग, यह हमारे सिर्फ वचन ही नहीं, लेकिन हमारे कर्म, हमारा प्रेम, विश्वास और शुद्धता भी विश्वासियों के लिए और सब लोगों के लिए आदर्श का कारण बनना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए हमें आदर्श बनना है। जैसे कि मत्ती सुसमाचार 5:16 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा जो अच्छे प्रवृत्ति को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा हो, और तुम्हारा जो रोशनी है वो दूसरों तक दिखे। हालेलुया। आमेन। मतलब हमारे अंदर जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह जो हमारे रोशनी बन के आया है, वो दूसरों के जीवन में भी दिखे। हालेलुया। जैसे लिखा, इस प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हालेलुया। इसलिए हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता भी देखकर कहे कि अरे ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का ज्योति है। हालेलुया। और दूसरे कह सके
है कि इनका जो जीवन है या इनकी प्रवृत्ति देखो कैसे परमेश्वर की नियम व्यवस्था के अनुसार है। हालेलुया। इसलिए हम ध्यान दें, अपने जीवन को हम ऐसे बिताए कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और परमेश्वर की व्यवस्था में हम आदर्श बने दूसरों के जीवन के लिए। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।